बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल द्वारा वीर कुंवर सिंह के लिए दिए गए अपमानजनक बयान के कारण करड़ी सेना ने शीला मंडल का पुतला फूंका। सीतामढ़ी शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के नीचे श्री राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने शीला मंडल का पुतला दहन करते हुए कहा कि वीर कुंवर सिंह के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग शीला मंडल ने किया वह शर्मनाक बयान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष आनंद विहारी सिंह ने किया। शीला मंडल जी, जो बाबू वीर कुंवर सिंह जो देश के लिए लड़े, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, उनको ये मालूम नहीं कि अपने रंग रूप और अपने रंग रूप को प्रदर्शन कर कर जो मंत्री बनते हैं शीला मंडल जी, उनको ये अनुभव नहीं है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को नीतीश कुमार जी को मंत्री बनाना चाहिए। हर बार सरकार में जब नीतीश कुमार जी आते हैं वैसे महिला को चुनकर मंत्री बनाते हैं जिसके पास शिक्षा न हो, वो सिर्फ सुंदरता के बदौलत मंत्री बनाने का काम करते हैं। जो इनका नीतीश कुमार जी का जो सरकार है वो हमेशा से इस बिहार में जाना गया है कि वो जिसको भी मंत्री बनाए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते होंगे, कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो तन मन धन तो देते हैं साथ में बहुत कुछ देते हैं, अगर अनुभवी रहते तो वीर योद्धा के बारे में ऐसा टिप्पणी नहीं करते। धन्यवाद। क्यों आप लोग शीला मंडल का पुतला दहन किए, क्या बात था? राजपूत करणी सेना के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर हम लोगों ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल का हम लोगों ने पुतला फूंका है। आपको बता दें कि शीला मंडल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सीतामढ़ी के बाजपट्टी में आई थी, जो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट और अज्ञानी मंत्री को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार में श्री राजपूत करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी और शीला मंडल को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा यह आंदोलन जारी रहेगा। यह सीतामढ़ी से आंदोलन का शंखनाद हम करते हैं और आपको बताते हैं कि जो शीला मंडल ने जो बयान दिया है वो शहीदों के प्रति, जो देश के लिए लड़ाई लड़ने वालों के प्रति अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। हम मांग करते हैं उन्हें अविलंब बर्खास्त किया जाए।